फर्स्टमा चाहिँ उहाँले जित्नु भएको थियो अनि उहाँ रिसाउनु भयो, तैँले चिटिङ गरिस् भन्नुभयो, फेरि नेक्स्ट फाइट गराउँदाखेरि चाहिँ उहाँले नै जित्नु भयो। लेकिन उस वक्तमै चिटरका फ्यान त और शॉन मैकर तो सुशांत साहब जो कि इंडियन रेसलर के ही मैच में इंडियन रेफरी थे, इन्होंने काउंट किया 1, 2, 3। नेपाल की ऑडियंस को बताएं कि वो क्यों झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा है सर, अगर आप लोग ठीक हैं तो इतना एग्रेशन क्यों? तो नेपाल आपका साथ देता, लेकिन नेपाल ने पाकिस्तान का साथ। वहाँको चाहिँ धेरै अडियन्स, वहाँलाई एकदम नेपालीहरूले एकदम हुटिङ गर्नुभएको थियो, सबैजनाले एक्सेप्ट करते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, वरना योर रेसलिंग करियर इज ऐसा चैंपियन जो खुद मुंह में जबान नहीं रखता और बोल नहीं पा रहा और उनकी बिहाफ पे उनका प्रोफेशनल ये रिंग में जवाब देता है। आई डोंट केयर ऑडियंस क्या बोलते हैं, मुझे ऑडियंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नेपाल से ना इंडिया से, क्योंकि ये हमारे फौजी को मारते हैं, फौजियों को कत्ल करते हैं, इसलिए हमारा खून खोलता है, मेरे परिवार के लोग मारे जाते हैं बॉर्डर। फर्सिनेटर हेर्दै हुनुहुन्छ, म राधिका छु र यति बेला म चाहिँ कुराकानीको लागि आइपुगेको छु भगवती खड्का युनिका दिदीको रेस्लिङ सेन्टरमा, जस मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ होइन ओके, केही छैन, अलिक दिदीले भनिदिनु हुनेछ त्यो चाहिँ। र आजको इन्टरभ्यू चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा हुनेवाला छ, किनभने मसँग चाहिँ दुईजना इन्डियन र एकजना पाकिस्तानी रेस्लर हुनुहुन्छ, इन्डियाबाट चाहिँ एकजना रेस्लर र एकजना रेफ्री हुनुहुन्छ, सँगसँगै नेपालको तर्फबाट चाहिँ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग हुनुहुन्छ भगवती खड्का युनिका दिदी, जसले चाहिँ आफू एकदमै स्ट्रङ र एकदम पावरफुल छु भन्ने चाहिँ प्रुभ गरिसक्नु भएको छ रेस्लिङको माध्यमबाट। र फर्स्ट अफ अल म सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु, वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्कार। म एकदम हिन्दीमा कुरा गर्नेवाला छु, प्लिज गाइज डोन्ट माइन्ड। जस्तो अच्छा, त्यो कितने दिन हो आप लोगों को नेपाल आए हुए? नेपाल आए हुए तकरीबन 3 दिन हो गए हमें। कैसा हुआ है बसाई नेपाल? क्या बोला आपने, कैसा रहा नेपाल का बसाई, कैसा हो रहा है नेपाल का एक्सपीरियंस? कैसा रहा नेपाल आने का एक्सपीरियंस? तो काफ़ी अच्छा था और मुझे खुशी हुई, मैं एक तो फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था ये और इसको ऑर्गेनाइज किया मिस भगवती जी ने, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रेसलिंग इवेंट हम लोग करने की कब से कोशिश तो कर रहे थे लेकिन पॉसिबल हो नहीं रहा था। इट्स फर्स्ट टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि आप लोगों ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डिफरेंट स्पोर्ट्स में देखा होगा और आपको पता है जब इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी स्पोर्ट में मैच होता है तो हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, तो नेपाल को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करवाया, जिसमें मिस भगवती जी और इनका ये नेपाल वुमेन्स रेसलिंग फाउंडेशन को क्रेडिट जाता है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा लगा। जस्तो भगवती तपाईले यो टिमसँग काम गरिरहनु भएको छ र हिजो मात्रै यहाँ गेम पनि थियो होइन, कस्तो भयो उहाँहरूसँगको गेम चाहिँ? अब हामीले चाहिँ एकदमै ठुलो भयानक तरिकाले चाहिँ गेम गर्ने प्लान बनाएका थियौँ र अब यो अहिले कोरोना भाइरसको कारणले त्यो गेम हामीले सक्सेस गर्न सकेनौँ। अब हामीले चाहिँ भिरकुटी मण्डपमा चाहिँ कभर हलमा गर्ने एउटा प्लान बनाएको थियौँ र डब्लुडब्लुई खेलिसकेको होलिडेडलाई पनि हामीले इन्भाइट गरेका थियौँ, तर यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ गर्न सकिएन। नसकेको कारणले उहाँ हाम्रो रेस्लर गोपाल शर्मा, उहाँको ब्रान्डम अब पाकिस्तानदेखि आउनुभयो, आइसकेपछि ल के गर्ने त भनेर चाहिँ हाम्रो अब ल प्रतिस्पर्धा गराइदिउँ न त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै महिला रेस्लिङ फाउन्डेसनको कार्यालयमा नै हामीले प्रतिस्पर्धा गरायौँ। एकदमै रमाइलो भयो, एकदम राम्रो खेल्नुभयो उहाँले राम्रो खेल्नुभयो, एकदम फर्स्टमा चाहिँ उहाँले जित्नु भएको थियो अनि उहाँ रिसाउनु भयो, तैँले चिटिङ गरिस् भन्नुभयो, अनि उहाँ रेफ्री उहाँ इन्डियाबाटै हुनुहुन्छ अनि त्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि उहाँ चाहिँ एकदमै रिसाएर चाहिँ फेरि पछि अनि रिब्याक नै आप चिटरे कम भनेर चाहिँ रिसाएर होइन, अनि त्यसपछि फेरि उहाँले चाहिँ गर्नुभयो, बोलाउनु भयो, त्यसपछि फेरि नेक्स्ट फाइट गराउँदाखेरि चाहिँ उहाँले नै जित्नुभयो। पहिलाको गेम पनि उहाँले जितिसकेको थियो, अब अलिकति मिस्टेक भएको थियो है। र हामीसँग रेस्लर हुनुहुन्छ गोपाल शर्माजी, सँगसँगै रेफ्री सुशान्त शर्माजी होइन, तपाईँहरू त्यो जान्दै नेपाली पनि बुझ्नुहुन्छ होइन? नहीं जी, नेपाल से बहुत प्यार है और नेपाली लोग बहुत अच्छे होते हैं, और मेरा मानना है कि मैं वैसे न्यू दिल्ली से हूँ लेकिन मैं नेपाल आता जाता रहता हूँ, काठमांडू में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत खुशी है यहाँ के, यहाँ लोग काफ़ी अच्छे हैं और मैं नेपाली लैंग्वेज समझता भी हूँ, बोल नहीं पाता बस थोड़ा सा ना बोलने में हाथ तंग है अपना। तो फिर ये बेल के बारे में भी कुछ बताइए। बेल के बारे में बोलूँगा कि ये फर्स्ट मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और रेसलिंग में रेसलिंग इंडस्ट्री में हिस्ट्री मैच था और ये सब ये टाइटल भारत के नाम गया है, सो आई एम प्राउड ऑफ। कितने टाइम हुए आप रेसलिंग में लगे?
मुझे करीब 4 से 5 साल हो गए। और मैं इसकी मतलब प्रैक्टिस 10 से 11-12 साल करीब हो गए मुझे। और रेसलिंग में बचपन से देखता हूँ, रेसलिंग का फैन हूँ। ओके, जस्तो आप तो एक्टर भी है, मैं शॉर्ट फिल्म देखी थी। अच्छा, तो फिर रेसलिंग से आपका कैसा हुआ स्टार्टिंग, तो कनेक्शन से? रेसलिंग एक्चुअली रेसलिंग करते तो 3 साल हो गए, लेकिन रेसलिंग का जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ था मुझमें बचपन में ही स्टार्ट हो गया। मैं 3 साल का बच्चा था तो उसी टाइम से मैं रेसलर बने आया था। शॉन माइकल मेरा ऑल टाइम फेवरेट रेसलर होता। किस चीज़ ने इंस्पायर किया था आपको? शॉन माइकल को मैंने मैच देखा था एक, जिसके अंदर एज अ विलन उसने रोल अपना प्ले किया था अगेंस्ट ब्रैड द हिटमैन हार्ट। तो उसमें भी उस मैच में सेम सीन रिपीट हुआ था जो कि कल यहीं इसी रिंग के अंदर मेरे साथ हुआ। लेकिन वहाँ लेकिन उस वक्त मैं चीटर का फैन था और शॉन माइकल मैं उस जैसा बनना चाहता था, तो इस तरह बस रेस्टर बना था। फाइट करने लगे, पहले इनको रूल पता करना चाहिए। और पाकिस्तान की रेसलिंग की मैं हिस्ट्री बताता हूँ, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे मेरे भी जानने वाले। पाकिस्तान में जो रेसलिंग आई है वो इधर आई है, और इन जैसे कुछ जो चीटर लोग थे जो हमारे से रेसलिंग सीखी, हमारे ग्रेट खली साहब से, इन लोगों को टीवी पे देख के इन्होंने रेसलिंग सीखी। ये है गोपाल शर्मा इंडिया से, इसके टीचर थे ग्रेट खली जो कि CW एकेडमी चलाते हैं, वहाँ से इसने ट्रेनिंग ली। इसके 6 कोचेज थे जो फ्रॉम USA से थे, उससे ट्रेनिंग ली। इनसे जरा आप पूछेंगे कि ये इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग करी है, एक बार इनसे पूछिए पहले आप। तो आप बताइए भाई, इन्होंने ही तो कहा कि हमारे सीनियर हैं पाकिस्तान ने, इनसे सीखी है। तो अच्छा, मैं तो मानता हूँ सही है भाई, इन्हीं लोगों से सीखी है पाकिस्तान ने। लेकिन कल जब मैच खेल रहे थे, मैंने अपना फिनिशर मारा गोपाल शर्मा को, तो सुशांत साहब जो कि इंडियन रेसलर के ही मैच में इंडियन रेफरी थे, इन्होंने काउंट किया 1, 2, 3 3 पे ये रुक गए, किकआउट नहीं किया, 3 पे ये रुक गए। और उसके बाद जो कुछ भी गवाही दी वो बोलना मेरा काम नहीं था, वो नेपाल की इसी ऑडियंस ने बोला। और उसके बाद अगर ये बोलते हैं कि नेपाल की ये कि हमने चीटिंग नहीं की, तो इसका मतलब ये सिर्फ मुझे ही नहीं, ये नेपाल की ऑडियंस जो देख रही थी उनको भी झूठा बोल रहा। अब ये बात मतलब इंडिया ने पाकिस्तान को ही नहीं चैलेंज किया, ये इंडिया ने नेपाल की ऑडियंस को भी चैलेंज किया। आप बताएं नेपाल की ऑडियंस झूठी है या ये सच है? ओके, इंडिया और पाकिस्तान का फाइट ऑलवेज, व्हाई? एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, इनके जैसे कुछ लोग नहीं होते जो कि अगर हारते हैं तो ब्लेम करते हैं, भाई सुशांत शर्मा ने मैच हरवा दिया, वो चीटर है, वो इंडियन रेफरी था। तो आपके नॉलेज के लिए बताऊं, आई एम नॉट इंडियन, मैं कोई प्रमोटर हूं, इंडिया में हूं। वेट अ सेकंड, मैं नहीं बोल रहा चीटिंग की आपने, ऐसा नेपाल की ऑडियंस ने बोला, मुझे नहीं, नेपाल की ऑडियंस को बताएं कि वो क्यों झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा ऐसा, आप कह रहे हैं नेपाल की ऑडियंस झूठी है। अब नेपाल की ऑडियंस को आपने झूठ बोला, उसको आप बताएं। नहीं बोला उनको रूस है, मैंने ओनली बोला कि नेपाल की ऑडियंस को रूस नहीं पता, मैंने ये बोला मतलब ये नेपाल इतना पीछे है कि नेपाल ने कभी रेसलिंग देखी नहीं, मतलब नेपाल ने पहली बार रेसलिंग देखी इसलिए उनको रूल ही नहीं पता। यानी आप भगवती जी को भी चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ पे रेसलिंग नहीं है, रूल्स की नहीं पता, इसका मतलब यहाँ रेसलिंग। वन मिनट, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, जो भगवती जी है मैं इनके साथ काफी टाइम की, ऑडियंस को रूल्स नहीं पता तो ये यहाँ रेसलर कैसे हैं? आप एक बार सुनेंगे मेरी बात? पाकिस्तानी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, सुनते नहीं है किसी की बात। तो कृपया तमीज से सुने, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। शी इज अ फाउंडर ऑफ विमेन रेसलिंग फाउंडेशन, राइट? कल जब आपने बोला कि मुझे इंडियन जो रेफरी है वो मंजूर नहीं है, भगवती जी ने आपको क्या बोला था कि ये हमारे रेफरी हैं, हमारे साथ ये काम करते हैं, ये हमारे कंपनी के रेफरी हैं। दूसरी बात, चलिए ठीक है जी, आपने बोला चीटिंग करी है, जब सेकंड मैच में आपने मेरे को इतने बुरे तरीके से मारा पब्लिक के सामने, क्या वो चीटिंग नहीं थी? क्या वो चीटिंग नहीं थी? मेरे को डाउट था आपकी, आपको मेरे ऊपर डाउट था, आपने मुझे मारा, ये देखे आप तभी तो मारा, क्या हालत की है सेकंड मैच, तभी तो मारा हुआ है, ये देखे आप। और ये कहते हैं कि मैंने चीटिंग की है, हिंदुस्तानी लोग अगर चीटिंग करते हैं तो आपने सवाल सिर्फ इतना सा है, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा कि कल क्या हुआ, मैं ये पूछने जा रहा हूँ इन्होंने जो बोला है नेपाल की ऑडियंस को रूल नहीं पता, और नेपाल की ऑडियंस को रेसलिंग भगवती जी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं, इनका कहने का मतलब ये कि नेपाल की ऑडियंस बहुत ज़्यादा पीछे है और भगवती जो रेसलिंग यहाँ करवा रही हैं कि वो उनको रूल उन्होंने शायद बताया नहीं अपनी ऑडियंस को। नहीं, बात आपने घुमाई है। ओके गाइस, स्टप होइन, जस्तो भगवत दिनले भनिदिनु खासमा हिजोको त्यो सिनारियो चाहिँ के थियो र के भइरहेछ अहिले फेरि? फर्स्ट म्याच चाहिँ गोपाल र हाम्रो कोकुको भएको थियो,
अनि म्याचमा चाहिँ अलिकति खै के नमिले नमिले जस्तो भएको थियो थोरै होइन, अनि पछि त्यहाँबाट अनिखेरि अलि अब त्यस्तै डिस्कस जस्तो परेको थियो। त्यसपछि चाहिँ उहाँले बेल्ट जित्नुभयो, जितिसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ अब म किन हार्ने, उहाँको चाहिँ दुईवटा बेल्ट थियो नि त, म दुईवटै बेल्ट लिएर जान्छु भने चाहिँ उहाँको सोच थियो। त्यसपछि उहाँले लगाएपछि उहाँ एकदम एग्रेसिभ हुनुभयो। त्यसपछि अनि म फेरि खेल्न तयार छु आइज भनेर चाहिँ उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो, लास्टमा उहाँले जित्नुभयो फेरि। अब त्यो कोरोनाका बहुत ज्यादा आप कितनी डरे हुए कोरोना से? मैं कोरोना से डरा होता तो नेपाल में तो होता ही नहीं। जब मैं नेपाल आया तो मुझसे जो वीजा ऑफिसर जो थे उन्होंने पूछा कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना, क्या पाकिस्तान वालों को कोरोना से डर नहीं लगता? रही बात ना आपके भीख मांगने की, तो आपके इमरान खान साहब जाके दूसरी कंट्रियों में पैसे लेते हैं, हमारा मोदी पैसे दे के आता है, आप नेपाल से प्रेसिडेंट से जाके पूछे। मैं इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहता, सो एक बार हाथ मिलाएं आप। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ एक बार आप, हम लोग इमरान खान एंड मोदी तक पहुँच गए लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किया कि हमने चीटिंग क्यों की थी और हमने नेपाल की ऑडियंस को ये क्यों बोला कि आपने झूठ बोला। सिर्फ इस जवाब का छोड़े, चीटिंग अभी छोड़े, इसका जवाब दें। आपने ये बोला नेपाल की ऑडियंस को रूल नहीं पता। अच्छा। उन्हें पता ही नहीं है कुछ रेसलिंग का। मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन जवाब देता हूँ। मैच में शोल्डर आपने दिखा, रेफरी दिखा, इसलिए हो गया। यस, नहीं दिखा। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन जवाब देता हूँ, बहुत बेहतरीन जवाब देता हूँ। चीटिंग जो बात उसको बढ़ चढ़ा के दिखाया जा रहा है। यू आर राइट, बढ़ दिखा जा रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हर इंटरव्यू में ऑडियंस को मतलब पब्लिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रिकॉर्ड नहीं किया, अब था इनका शोल्डर तो मैं कैसे की कहूँ? अगर मैंने आपसे हाथ नहीं मिलाया होता, सॉरी हाथ मिला लिया होता तो ये बेल्ट मेरे पास होता। yes. मतलब आपने इनके साथ हाथ मिलाया हुआ था। ये तो मेरा, this is my man. इसीलिए तो जीता है ना। मेरे टीम में आओ, आपको भी चैंपियन बनाते हैं। लेकिन आपको मैंने कई बार बोला आप हाथ मिलाओ, हाथ मिलाना क्यों नहीं चाहते यार? क्या पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों से ज्यादा वो दिक्कत होती है हाथ मिलाने में, बताएंगे आप? जवाब नहीं है। Come on, be a man. हाथ तो मैं मिलाऊंगा बट एक क्या है? Be a man. हाथ मिलाने के बाद क्या? No condition. Be a man. Okay. No shit. Oh my God. Wow. Okay. Wow. Next time your title. No more. Referee is going to challenge me and the champion is behind. I am not a professional referee. My name is Sushant Sharma and I am the greatest wrestling promoter all time. And this is my man Gopal Sharma. He's the first time ever REW World Heavyweight Champion. The champion, you are nothing. You the are nothing. Champion who cannot even talk for himself. ऐसा चैंपियन जो खुद मुंह में जबान नहीं रखता और बोल नहीं पा रहा और उनकी बिहाफ पे उनका प्रोफेशनल ये रिंग में जवाब देता है, ये रिंग में जवाब देता है, ये सामने आपकी तरह नहीं बोलता। आप लोग पाकिस्तानी लोग बोलने में बहुत अच्छे होशियार होते हैं, रिंग में फुस हो जाते हो। अकेला हूँ, दो नहीं हूँ, अकेला हूँ।